हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। मूवी स्टार्ट होती है, बैकग्राउंड में हमें बताया जाता है साउथ वेस्ट में एक तारा गिरा था। वो रेड कलर का दिख रहा था। वो जाकर जंगल में गिरा था। वो कई दिनों तक चला। हैंगमैन, जो एक तरह का ग्रुप होता है, उसने उस तारे को ढूंढ लिया और तब से ही हैंगमैन लोगों को अच्छाई और बुराई को पता लगाने का काम सौंप दिया गया। हैंगमैन लोगों के पास एक यंत्र होता है। लोग तो बस यही जानते थे कि हैंगमैन के पास एक यंत्र है जो उन्हें सच्चाई बता देता है, पर ये कोई नहीं जानता उस यंत्र के कोर में एक तारा है। हैंगमैन ग्रुप को दिखाया जाता है, पर इस ग्रुप में कोई भी मैन नहीं होता, सारी गर्ल्स ही होती हैं। यंत्र के पास दो लड़कियां खड़ी होती हैं। यंत्र में से दोषी का नाम निकल कर आता है। फेंग सुआन, जो इल्यूजन चीफ होती है, वो दोषी के बारे में पता करने के लिए बोलती है। टैंक फई को दोषी का एड्रेस बताया जाता है। फिर वो एक परिंदे को टैंगमैन ग्रुप की एक लेडी के पास भेजती है उस दोषी को मारने के लिए। टैंगमैन ग्रुप की एक लेडी के पास वो परिंदा पहुंच जाता है। वो लेडी इनकी मेंटोर होती है और वो अपने ग्रुप एक मेंबर को उस दोषी को मारने के लिए भेजती है। वो पहले तो उस दोषी को अपने हुस्न के जाल में फंसाती है और उसके बाद उसे बेरहमी से मार देती है। वो बहुत बड़ा दोषी होता है, इसलिए वो दोषी एक किंग होता है, पर उसने बहुत बुराई की होती है। किंग के सैनिक अब उस लेडी को रोकने के लिए आते हैं, पर लेडी के हाथ में तलवार होती है। हैंगमैन ग्रुप की लेडी के सामने एक लड़की आ जाती है जिसके हाथ में अम्ब्रेला होती है। वो उसे मारने के लिए आई होती है। अब उन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है, पर हमें यहाँ पे अम्ब्रेला वाली लड़की का फेस नहीं दिखाया जाता और वो लड़की टैंगमैन ग्रुप के मेंबर को मार देती है। ये बात टैंगमैन तक भी पहुंच जाती है। फेंग सुआन बोलती है, हमारे इस महीने में 3 लोग मारे गए हैं। तभी वहाँ टैंगमैन की हेड आ जाती है, जिसका नाम टैंग वुआन होता है। सुआन बताती है, हमने सभी लोगों की जांच की है। उससे पता लगा है कि वो टैंगमैन की सीक्रेट हथियार से मारे गए हैं। हथियार यानी अम्ब्रेला टैंगमैन की रिटायर्ड चीफ टैंग रुई के पास था, पर वो बाद में डिफेक्टेड हो गई, पर उसकी लाश अब तक नहीं मिली है। टैंग वुआन हेड बोलती है, वो तो मर चुकी है, पर तुमने अपना काम नहीं किया है, इसलिए तुम्हें सजा दी जाएगी। सीन चेंज होता है, एक लड़के को दिखाया जाता है जिसके हाथ में टैंगमैन का मैप होता है और वो एक चोर होता है। चोर का नाम चू चैन होता है। टैंगमैन के यंत्र के अंदर से, जिसे टैंगमैन नोरियंग की आंख कहते हैं, उसे चुराने आया हुआ होता है। चैन सभी से छिपकर टैंगमैन यंत्र के पास पहुंच जाता है और वो यंत्र काफी बड़ा होता है। दूसरी तरफ हम हेड बुआन को देखते हैं, उसके हाथ में एक की होती है। वहीं पर सुआन को सजा दी जा रही होती है। बुआन अपनी एक साथी को बोलती है, कोई हमारे बीच ही गद्दार है, क्योंकि यहाँ सिर्फ टैंगमैन के ही लोग हैं। चैन यंत्र के कोर तक पहुंच जाता है, पर वहाँ एक की जगह होती है। वो उसे बिना की से खोलने की कोशिश करता है, पर वहाँ पर गार्ड्स भी होते हैं, उनकी आई नहीं होती। तभी वहाँ कुछ पंछी आ जाते हैं, जिससे चू चैन का हाथ यंत्र के ऊपर लग जाता है। यंत्र के ऊपर हाथ लगने से यंत्र के अंदर से एक दोषी का नाम निकल कर आता है। वो उस दोषी का नाम होता है जिसने टैंगमैन के साथ गद्दारी की होती है। उधर यंत्र के पास गार्ड्स को पता लग जाता है कि वहाँ कोई है। अब चू चैन की गार्ड्स के साथ फाइट होती है और उस यंत्र में जो नाम होता है वो टैंग बुआन हेड का होता है, मतलब वो गद्दार है। बुआन बोलती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं टैंगमैन के लिए समर्पित हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है मैंने कुछ किया है, तो तुम जांच पड़ताल कर सकते हो। बुआन वहाँ से जाने लगती है, पर टैंग सुआन उसे रोक लेती है। सुआन बोलती है, टैंग शूरवीरों का घर है और हमेशा से ही यहाँ दोषियों को सजा मिलती आई है और अब तुम भी एक खुशी हो। उधर चू चैन गार्ड्स को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। बुआन अपने हथियारों से बुआन के ऊपर अटैक करती है, पर बुआन अपनी पावर से उसके हथियार रिटर्न कर देती है। टैंगमैन एक माउंटेन पर बना होता है। चू चैन वहां से फ्लाई करता हुआ नीचे आ जाता है। बुआन भी अब उनका सामना नहीं कर पाती, चारों तरफ से गिर चुकी होती है, इसलिए वो भी माउंटेन से फ्लाई करती हुई नीचे की तरफ आ जाती है। चू चैन जमीन पर अपने मास्टर के पास आकर गिरता है। मास्टर पूछता है, तुम यंत्र से नोरियंग की आंख ले आए। वो बोलता है, तुमने मुझे नहीं बताया, उसमें तो एक बहुत बड़ा लॉक लगा है।
वहाँ आसमान से वो यांग गिरती है। मास्टर और चूचैन बुआंग को होश में लाते हैं और बुआंग जैसे ही होश में आती है उसे खाने की स्मेल आती है और वो उसकी तरफ चली जाती है। वहाँ पास ही कुछ बुरे लोग होते हैं जो खाना खा रहे होते हैं। बुआंग उनके पास आती है और उन्हें वहाँ से दूर भगा कर खाना खाने लगती है। उसकी पावर देख कर चूचैन और मास्टर भी वहाँ से भागने लगते हैं। अभी मास्टर को बुआंग के पास वो की दिखाई देती है और अब वो दोनों उसके पास आते हैं। बुआंग उन दोनों को बोलती है, मुझे व्हाइट हेड ड्रैगन अपने मास्टर के पास जाना है, क्या तुम दोनों मुझे वहाँ ले जा सकते हो? उन दोनों को तो चाबी लेनी थी इसलिए वो बोल देते हैं, हाँ हम भी उसी तरफ जा रहे हैं। रास्ते में बुआंग सो जाती है, मास्टर उससे चाबी लेने की कोशिश करता है पर बुआंग नींद में ही उसकी मार मार कर हालत खराब कर देती है। बुआंग जब सुबह उठती है बोलती है, तुम्हारी हालत किसने की है? वो दोनों उसे कुछ नहीं बताते और वो व्हाइट हेड ड्रैगन सिटी पहुंच जाते हैं। बुआंग सुआन अपने एक गार्ड को भेजती है बुआंग को मारने के लिए। उधर व्हाइट हेड ड्रैगन सिटी में बुआंग को एक बटरफ्लाई दिखाई देती है और वो बटरफ्लाई बुआंग को उसके मास्टर तक पहुंचाती है। वो एक होटल जैसा होता है। अभी वहाँ पर बुआंग की मेंटोर आती है, वो एक स्टेज शो कर रही होती है। वो अपनी बटरफ्लाई चारों तरफ फैलाती है, वहाँ जितने भी लोग होते हैं सब गायब हो जाते हैं। ये बात उन दोनों को समझ नहीं आती। अभी मेंटोर बुआंग से बोलती है, तुम टैंग मैन की दोषी हो, टैंग मैन बुरे लोगों को सजा देता है। मेंटोर बुआंग और चूचैन पर हमला करती है। मेंटोर के पास एक हैंड फैन होता है और वो उसके अंदर से एक बहुत बड़ा स्नेक निकालती है। वो स्नेक बुआंग के ऊपर अटैक करता है, स्नेक बुआंग को जकड़ लेता है पर चूचैन कुछ नहीं कर पाता। वो देखता है मेंटोर बुआंग को मारने वाली होती है। बुआंग अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और उस स्नेक की पकड़ से छूट जाती है। अभी बुआंग अपनी बचपन वाली जगह में पहुंच जाती है, स्नेक वहां भी उसके पीछे आ जाता है। बुआंग अपनी पावर से स्नेक के ऊपर हमला करती है जिससे स्नेक खत्म हो जाता है। अब बुआंग की मेंटोर अपने असली रूप में आ जाती है जब वो बचपन में बुआंग को तलवार सिखा रही थी। पर बुआंग अब भी तलवार चलाने में अच्छी नहीं होती पर उसे अपने मेंटोर की वीक पॉइंट पता होता है और वो उसका इस्तेमाल करती है, मेंटोर को वहां से बाहर ले आती है पर मेंटोर तलवार से घायल हो चुकी थी। मेंटोर बुआंग को बोलती है, तुम ही टैंग मैन की हेड हो, तुम दिल की सच्ची हो, तुमने टैंग मैन के साथ कोई गद्दारी नहीं की है। और ये बोलकर मेंटोर मर जाती है। बुआंग मेंटोर के जाने से बहुत दुखी होती है। चैन उसे खुश करने के लिए उसे मन पसंद मिठाई देता है और उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। और तभी वहाँ मास्टर आ जाते हैं। वो वहाँ से बाहर आकर देखते हैं, वहाँ टैंग सुआन की भेजी हुई गार्ड होती है। बुआंग उसके साथ फाइट करने के लिए जाती है पर उसे चोट लग जाती है। अब मास्टर उस गार्ड के साथ फाइट करने के लिए जाते हैं। मास्टर को फाइट करता देख चूचैन हैरान हो जाता है। वो मास्टर के पास आता है और बोलता है, मास्टर मैं आपको बचाऊंगा। मास्टर चूचैन को बेहोश कर देते हैं और बोलते हैं, मैं इस गार्ड को सबक सिखाता हूँ। और वो एक तलवार के वार में ही उस गार्ड को मार देते हैं। उस फाइट में चूचैन को चोट लग चुकी थी। बुआंग चूचैन के लिए काफी दुखी हो जाती है और फिर वो अपनी पावर से चूचैन को ठीक कर देती है। चूचैन सुबह उठता है, बुआंग बेहोश होती है क्योंकि उसने अपनी पावर यूज की थी। चूचैन बुआंग को नॉर वैली लेकर जाता है। यहाँ रिवील होता है कि क्यों चूचैन इस की के पीछे पड़ा था। चूचैन नॉर वैली में एक लेडी के सामने खड़ा होता है और वो एक बैग में पैसे भर रहा होता है और वो बोलता है, जैसे आपने बोला था मैंने वैसे ही किया है, मैं बुआंग के साथ साथ की भी लेकर आया हूँ। चूचैन एक छोटे से टाउन में अपने मास्टर के पास आता है वो सारे पैसे लेकर और बोलता है, अब हमें कभी भी चोरी करने की जरूरत नहीं है। उधर बुआंग होश में आ चुकी थी और वो चूचैन की याद में वो स्वीट खा रही होती है जो उसे पसंद थी। उधर चूचैन के पास हम कुछ बच्चों को भी देखते हैं जो अनाथ होते हैं। बच्चे चूचैन से पूछते हैं, अब आप कहाँ जा रहे हो? चूचैन बोलता है, अब मैं एक अच्छा इंसान बनने के लिए जा रहा हूँ। उधर नॉर वैली में एक बॉक्स के ऊपर की रखी होती है, बुआंग वहाँ आती है। अब बुआंग के सामने वो लेडी आती है जो पर्दे में थी और ये वही छतरी वाली लेडी होती है जो मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखा था। ये वही टैंग रुई होती है जो
5 साल पहले रिटायर हो चुकी थी और उसके बाद इसके मरने की खबर मिली थी। अब वैंग को ये पता लगता है कि ये सब कुछ करने वाली टैंग रुई है। उसे बहुत गुस्सा आता है, उसे मारने जाती है पर गिर जाती है क्योंकि वो बहुत कमजोर होती है। कमजोर वैंग इसलिए भी हो गई थी क्योंकि वो चू चेन से प्यार करने लगी थी। वैंग बोलती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तांगमेन के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगी। अभी रुई बोलती है, तुम मेरे बारे में कितना जानती हो, हमारे पास शिष्य हैं जो तांगमेन के लिए ही समर्पित हैं। ये सभी अच्छाई को बचाने के लिए अपना बलिदान करते हैं। हम जैसे लोगों को शिकार बनाया जाता है नॉरियंग की आंखों के जरिए। नॉरियंग की आंखों ने टैंगमैन को दुनिया के खिलाफ कर दिया है। फुएंग मास्टर ने तुम्हें हेड बनाया है और एक हो जो नॉरियंग की आंखों को खत्म कर सकते हो। सभी लोग वुएंग के सामने झुक जाते हैं और बोलते हैं, प्लीज हमारी नेता बनो तांगमेन की रक्षा करने के लिए। तांगमेन को दिखाया जाता है जहाँ स्वान मजे से रह रही होती है। अभी वहाँ पर रुई आ जाती है। रुई अपने साथ अपने लोगों को भी लेकर आती है। अब रुई और शुआन के बीच फाइट होती है। यंत्र रूम में चूचैन को देखते हैं जब चारों तरफ बम लगा रहा होता है। तभी वहाँ कुछ सैनिक आ जाते हैं। चूचैन एक बड़े बम में आग लगाता है और उससे वहाँ बहुत बड़ा विस्फोट होता है। उससे पूरी टैंगमेन सिटी गिरने लगती है। पर शुआन और रुई आपस में अब भी फाइट कर ही रहे होते हैं। वुएंग यंत्र के डोर के पास पहुंच जाती है और उसमें की लगा देती है। जैसे ही वुएंग उसके अंदर की लगाती है, उसे अपने माता पिता की सच्चाई के बारे में पता लगता है। वो देखती है उन्हें मारने वाली कोई और नहीं शुएंग होती है, मतलब शुएंग ने ही वुएंग को अनाथ किया था। और अब टैंगमेन सिटी पूरी तरीके से बिखर जाती है। वुएंग अपने गुस्से की पावर में होती है क्योंकि नॉरियंग की आंख अब वुएंग के अंदर आ चुकी थी, इससे उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। वुएंग सुएंग से पूछती है, क्या सच में तुमने मेरे माता पिता को मारा है? वो बोलती है, हाँ मैंने ही मारा है और तुम मुझे मार दो। सुएंग उसे और भड़काती है जिससे वो और गुस्से में आ जाती है। वुएंग अब बहुत पावरफुल होती है। वो सुएंग के पास आती है और उसे बहुत मारती है, जान से मारने वाली होती है कि तभी बीच में रुई आ जाती है। वो बोलती है, वुएंग रुक जाओ, ये सब तुमसे नॉरियंग की आग करवा रही है, तुम ऐसी नहीं हो, वो तुम्हें दोषी बनाना चाहती है। पर वुएंग तो बहुत गुस्से में होती है। चैन ये सब दिख रहा होता है। वो शुआन को मारने वाली होती है कि चूचैन बीच में आ जाता है और तलवार चूचैन के आर पार हो जाती है। चूचैन अब भी वुएंग के गुस्से को शांत करने की कोशिश करता है। जो पल उन्होंने साथ जिए उन्हें याद दिलाता है और अब वुएंग का गुस्सा शांत हो जाता है। वुएंग के प्यार की वजह से नॉरियंग की आँख खत्म हो जाती है। चूचैन मरने वाला ही होता है। तभी वुएंग अपने बड़े मास्टर के पास चूचैन को लेकर चली जाती है। रुई शुआन को बोलती है कि तुमने प्यार की ताकत को देख लिया है, टैंगमेन की हेड के काबिल सिर्फ वुएंग है और वही हमारी अब हेड रहेगी। और अब चलो उठो, अगर तुमने सबक सीख लिया है टैंगमेन को दोबारा बनाने में हमारी मदद करो। और इसी के साथ मूवी एंड होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब।